तो साहब बीजेपी ने अपने 9 कमाल आज बताए हैं लिख के, मेरे पास उसका अंग्रेजी वाला वर्जन है, मैं उसको जल्दी से पढ़ दूं। आपसे 2 कमाल का जवाब पूछना है कि ये कमाल तो भाई मुझे ये कमाल नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़ा समझाइएगा, आप बेहतर समझाएंगे। इनका पहला जो पहला इन्होंने कहा है वो है कि एवरेज इन्फ्लेशन यूपीए में 8.7 था, एनडीए में 4.8, जॉब्स क्रिएटेड इन एमएसएमई सेक्टर बिटवीन 2017-23 6.76 करोड़, मोर देन 41 करोड़ पीपल लिफ्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, कांग्रेस अलॉटेड कोल माइंस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एनडीए इंस्टीट्यूटेड अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन। ये पहला सवाल, और इसका आप जब दे देंगे तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूंगा। आप सब लोग तो मुझे समझा, हम लोगों को रोज बताते थे कि एमएसएमई सेक्टर की बड़ी बुरी हालत है, खास करके कोरोना के बाद तो वो बैठ गया, और ये तो कह रहे हैं वो इतना बढ़िया चल रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोल माइंस वाला जो है वो तो फ्रेंड्स और उनको दिया जाता था, एनडीए ने सब ट्रांसपेरेंट कर दिया। मैं दोनों पे इस चीज पे आपका एक जवाब, और फिर मुझे आपसे एक प्रश्न और पूछना है, इस हिसाब से समय का ख्याल रखिएगा। प्रोफेसर साहब जी, देखिए आनंद जी, पहली बात यह है, ये कहना कि रोजगार का सृजन हुआ है और एमएसएमई बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर ऐसा होता तो जीडीपी लगातार घट क्यों रही है? एवरेज जीडीपी देख लीजिए और पहले की एवरेज जीडीपी देख लीजिए, क्या ये संभव है कि जीडीपी गिरे और एमएसई में अच्छा करे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े? भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तब जीडीपी बढ़ेगी और तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जीडीपी तो गिर रही और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये बात क्या आपको समझ में आती है? नंबर एक। नंबर दो, इन्फ्लेशन की बात आनंद जी आप ये समझिए, इन्फ्लेशन बढ़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर 10% का भी इन्फ्लेशन बढ़े और मेरी तनख्वाह 15% बढ़े मुझे कोई परेशानी नहीं है। समस्या ये है कि आमदनी तो कम हो रही है और इन्फ्लेशन वही है या आसपास है। अब ये देखिए, ये प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, एक होता है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एक होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ये जो बातें हो रही है ये हो रही है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की। आनंद जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं, 1000 आदमी का प्राइमरी इंफॉर्मेशन से डाटा लीजिए, अपने कार्यालय के लोगों का लीजिए, अपने जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, सबके पत्रकारों से ये प्रश्न पूछिए कि आपकी तनख्वाह 3 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है। यही बात आप किसान से पूछिए, यही बात आप दुकानदार से पूछिए, यही बात एमएसएमई से पूछिए। प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन नहीं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में 1000 में 990 लोग ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो बढ़ा है और जो मेरी आमदनी बढ़ी है, आमदनी तो बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, नौकरी तो मेरी छूटी, क्योंकि आज आप रोज देखते हैं कभी रिलायंस मार्ट में छूटती है, कहीं वो गूगल में छूटती है, कहीं वो किसी दूसरी कंपनी में, तो नौकरी छूटने की तो आपको खबरें मिलती हैं। तनख्वाहें कितनी बढ़ी? 5 साल पहले जो तनख्वाहें बढ़ती थी एवरेज इंक्रीमेंट कितना था, आज एवरेज इंक्रीमेंट कितना है? तो देखिए ये बात जो है, अच्छा इन्फ्लेशन का एक चीज आनंद जी और समझने का प्रयास कीजिए, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है डिमांड। अगर परचेसिंग पावर होगी, मैं आपको कहता हूं एक बिल्कुल एक सरकार को चुनौती देता हूं, आज हिंदुस्तान के हर आदमी को 10,000 रुपए महीना 1 साल तक दे दीजिए, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो परचेजर है अगर उसके हाथ में परचेजिंग पावर आएगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ा या घटा इस बात से देखना है कि वो डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ा या सप्लाई घटने की वजह से बढ़ा। तो वास्तविकता ये है कि सप्लाई तो थोड़ी बहुत इफेक्टेड हुई, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टेड हुई वो डिमांड हुई। तो अगर गरीब और मध्यम वर्ग के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो इन्फ्लेशन तो कम हो ही जाएगा। तो इन्फ्लेशन का नेगेटिव, इन्फ्लेशन इज ए नेगेटिव साइन। अगर इन्फ्लेशन 4-5% रहता है तो एक हेल्दी साइन है, अगर इन्फ्लेशन -5% हो जाए इसका मतलब मार्केट में परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और डिमांड नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया है, विच इज ए इशू ऑफ स्टैगफ्लेशन। अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न बढ़े और आपका इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंट रहे और इनकम न बढ़े तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, तो ये खुश होने की चीज नहीं है। इन्फ्लेशन का अगर जनता के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम, अगर 4 बड़े लोगों की जो इनकम है वो 10 गुनी बढ़ जाए और नीचे के 80% लोगों की इनकम 50% कम हो जाए, महंगाई 10% बढ़ जाए, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी,
तो आपकी जीडीपी तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टॉप लोगों ने किया उनकी वेल्थ इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई और पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ गई। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा लीजिए, आपको 1000 में से 998 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि उसको गैस की बढ़ी कीमत और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत हर चीज से मार पड़ रही है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है। जो नौकरी देने वाला है वो कहता है नौकरी करनी है करो, वरना बाहर लोग आधी तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि लोगों की नौकरी की डिमांड है और सप्लाई नौकरी की बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविकता है जो प्राइमरी डेटा से आपको पता चलेगी। जी मैं एक और प्रश्न कर लूं फिर आपको छोड़ू। मैं एक जो इसका आठवां प्रश्न है, इस जो प्रश्न नहीं है माफ कीजिएगा, जो आठवां कमाल है वो है इनका कहना है वेलफेयर स्कीम्स। अच्छा हर जगह पीएम मोदी है, पीएम मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट इज नोन फॉर इट्स लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फ्रॉम ओवर 28 लाख ट्रांसफर्ड थ्रू डीबीटी टू प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू ओवर 80 करोड़ पीपल, देर इज नो पैरेलल टू दिस रिकॉर्ड। उनका कहना है 80 करोड़ लोगों को जो आपने भुखमरी की हालत में पहुंचा दिया, ये उनका एक बड़ा कमाल है। थोड़ा मैं इस पे भी समझना चाहूंगा, इज इट अ थिंग टू सेलिब्रेट? देखिए आनंद जी, दो तीन चीजों का ध्यान दीजिए। कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया, कॉरपोरेट टैक्स से 1.5 लाख करोड़ का पर ईयर का नुकसान हो रहा है जो कॉरपोरेट टैक्स का कम किया गया बड़ी बड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का। दूसरा, पेट्रोल डीजल के जो क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से आज से 2 साल पहले $115 पर बैरल थे, आज $70 पर बैरल हैं, आधे हो गए हैं। रूस से आप सस्ता तेल ले रहे हैं, दाम आप रिटेल प्राइस में नहीं कम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है गरीब से, बस में चलने वाले से, थ्री व्हीलर में चलने वाले थे, ट्रेन से चलने वाले से, आप पेट्रोल डीजल के कम दाम का दाम ना घटा के गरीब और मध्यम वर्ग से पैसा वसूल रहे हैं। आप जो गैस उसको 400 की मिलती थी वो 1200 में दे रहे हैं, तो और जो किसानों को MSP मिलता था उसमें बढ़ोतरी 4% की हो रही है और इनपुट कॉस्ट में 15% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब गरीब और मध्यम वर्ग से आप 2000 रुपये महीना छीन रहे हैं और 200 रुपये महीना दे रहे हैं। आनंद जी ये बात समझने की है। एक आप एक गरीब आदमी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको बनाइए और ये पूछिए GST कौन देता है। जब अंबानी साहब अपनी कार में पेट्रोल डलाते हैं किस दाम पे डलवाते हैं? उसी दाम पे डलवाते हैं जिस पे एक 15,000 की नौकरी करने वाला अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है। लाभ किसको हुआ? मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को। नुकसान किसके हुआ? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को। तो वास्तविकता में आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? 200 रुपए। और उससे आप जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं कितनी दे रहे हैं? और उसके बाद पेट्रोल डीजल से जो इनडायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस घटने के बावजूद आप रिटेल प्राइस नहीं घटा रहे हैं, और जिस प्रकार से आप GST बढ़ा रहे हैं दूध में, आप पनीर पे, दुनिया भर की चीजों पे, खाने की चीजों पे GST लगा के गरीब और मध्यम से 2000 रुपए महीना वसूल रहे हैं और 300 रुपए महीना दे रहे हैं, तो वास्तविकता में 1700 रुपए महीना आप गरीब और मध्यम वर्ग से लेकर पूंजीपतियों को कॉरपोरेट टैक्स कम करके दे रहे हैं।